Good evening and welcome. You're watching News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Public memory is short. And when some black marks in our history are anyway scrubbed away or kept hidden, it's easy for them to completely disappear from public memory. But does that mean it should be allowed to? Or should art and literature and cinema be used as a medium to at least remind people of a shameful episode in history that remained unaddressed? This question has been raised again and again in the recent past with a series of films raising the hackles in certain quarters. Whether it be Kashmir Files or Kerala Story or now Ajmer 92. Set to be based on true events, Ajmer 92 claims to tell the story of 250 college girls who were victims of a grooming gang in Ajmer way back in 1992. Trapped, sexually exploited, blackmailed, and then silenced by a heinous web of people that included caretakers of the Ajmer Dargah, politicians, and influential men. उसने भाई मेरे हाथ में टेप था ना तो बोला तो दो कैसेट दे सुनने के लिए तो उसके बहाने से एक खंडर था जो उधर मिले में उस खंडर में मेरे को लेके गया फिर उधर गलत काम करा फिर मेरे को चार पांच जो हाथ पाए बांध के सब जनों ने काम किया नंगी फोटो ली मेरी और फिर मैं 5 बजे निकला फिर मेरे को बोला तो तेरे भाइयों से किसको भी बात नहीं करेगी बोलेगी तो नहीं तो तेरे भाइयों को कटार से खत्म कर देंगे डराया धमका तो मैंने डर के मारे घर पे भी बात नहीं करी थी खादी में से ये थे ना नफी चिश्ती केला सोनी अंसारी सब कह रही हूँ सब 10 जने थे 10 जनों का ही मेरे पास कागज पे नाम लिखे हुए हैं और उनके अपराधी है वो छूट के अपने घूम रहे हैं अभी भी दरगाह में वो लोग तो जरूरत करा रहे हैं पैसे कमा रहे हैं सही बात है वो तो The release of the film is still a month away, but already demands are being raised for a ban on it. Why? The reasons are familiar. One, that it is propaganda. Two, that it is timed for elections in Rajasthan and is an effort to try and create a polarization in society. Three, that it is Islamophobic. And four, that it is specifically targeting the Ajmer Dargah and the Muslim community. पहले कश्मीर फाइल्स आई जो वन साइडेड स्टोरी थी फिर आई द केरला स्टोरी जब कर्नाटक में इलेक्शन हो रहे थे तो पब्लिक ने रिजेक्ट की अजमेर फाइल्स में कुल 12 लड़कियां हैं जिनको 250 लड़कियां कहा जा रहा है और एक इंस्टीट्यूशन को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ब्लेम किया जा रहा है जबकि इस दरगाह में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई और उससे जुड़े हुए चिश्ती फ्रटर्निटी को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं तो माहौल को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है तो हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं लेकिन एक समाज के लोग थोड़ी है इसमें तो अनेकों समाज के लोग थे भाजपा फाइल क्यों नहीं बना रहे कभी केरल स्टोरी ले आते हैं कभी कश्मीर फाइल ले आते हैं अब कोई और ले आएंगे किससे कहानियां उसमें सुनाते हैं इन फिल्मों से क्या होगा अब क्या लोगों के समझ में आ गई कि बीजेपी कुछ के काम की फिल्म तो दिखाती नहीं है नकली फिल्म बनाते हैं और फिर कहते हैं तो फिल्म से पेट नहीं भरता बीजेपी को ये लग रहा है कि इन फिल्मों से हम जीत जाएंगे नहीं जीतेंगे किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जब केरल स्टोरी रिलीज हुई तो केरला में चुनाव थे क्या नहीं थे जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई तो कश्मीर में चुनाव थे क्या नहीं थे ये घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने चोरी करी है ये फिल्म आनी चाहिए इस फिल्म को टैक्स फ्री भी करना चाहिए इस कांड का जैसे जैसे खुलासा हुआ तो इसके अंदर कांग्रेस के बड़े सीनियर पद पर बैठे हुए लोगों के नाम आने शुरू हुए किसी धर्म से जुड़े लोगों के नाम आने शुरू हुए कुछ एक को जेल भी हुई एंड व्हिच इज व्हाई द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कैन ट्रूथ टेलिंग सिंपली बी डिसमिस्ड एज प्रोपेगेंडा इफ अ ग्रेव इनजस्टिस हैज टेकन प्लेस शुडंट एवरीवन वांट द स्टोरी टू बी सीन द स्टोरी टू बी टोल्ड And how is a film on a crime about any election or any community? You're watching the News Hour at 10, debate number one on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Sushil Pandit, activist, Avnijesh Awasthi, political analyst, Kalimul Hafiz, and Dr. Suman Siraman, all political analysts. And my colleague, Bhavar, will also be live with us because he has covered this case like the back of his hand. And let me start with you, Kalimul Hafiz sahab. All India Muslim Jamaat president has said that this is an Islamophobic film.
एग्जैक्टली हाउ द क्राइम वॉज अ क्राइम, इसका किसी रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, इसका किसी कम्युनिटी से कुछ लेना देना नहीं है, तो क्राइम है और उसके बारे में एक फिल्म बन रही है, क्या सच को नहीं दिखाया जाना चाहिए? देखिए, इतिहास अपने आप में दोहराया जा रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं कि आरएसएस जिससे इन्फ्लुएंस है वो है हिटलर के नाजी सिस्टम से, उस यानी 1940 में भी इसी तरह की जर्मन के अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए फिल्में बनाई गई थी, आर्टिकल लिखे गए थे, गेम्स बनाए गए थे, बाकायदा प्रोपेगेंडा का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। प्रोपेगेंडा तो आरएसएस ने इसी सीरीज में, ये सच्ची घटना पे बनी हुई फिल्म प्रोपेगेंडा कैसे हो सकती है? अभी तो सुनिए, देखिए, आपका नाम कलीमुल हाफिज है, अगर मैं कलीमुल हाफिज के साहब की जीवनी पे फिल्म बनाती हूँ तो वो प्रोपेगेंडा कैसे हो जाएगी? आपका जीवन तो आपका जीवन है ना, आपका जीवन घटित हुआ है, उस पर मैंने फिल्म बना दी। देखिए जी, देखिए ऐसे हो जाएगी जैसे के केरला स्टोरी बनी तो उन्होंने कहा 32,000 लड़कियों की सच्ची घटना पर आधारित है, जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो वो कहने लगे साहब ये 3 लड़कियों पर आधारित है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि हम अच्छा इस पर लिख देंगे ये फिक्शनल है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है। अभी तो टीजर रिलीज हुआ है। अच्छा, तो आपने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि इसमें फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके बताया गया, ये बताया तो सिंपल यहाँ क्लेम किया गया है कि जो 1992 में अजमेर में हुआ उनकी बात बताई जा रही है। आपको कैसे पता कि इसमें सच्चाई नहीं बताई गई है, या 3 का 30 बताया गया है, या जो 250 लड़कियों की कहानी बताई जा रही है वो फेक है? देखिए मुझे इसलिए चूंकि अगर ऐसा कुछ होता, सच्चाई बताई जाती, तो धर्म संसद पे बनती फिल्म, ये किस तरीके से बीजेपी के एमपी कहते हैं कि इनको बायकॉट कर दो, या उस पे बनती जो उनका एक एमपी कहता है कि छुरियां तेज करा लो, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है सर। हजारों फिल्में बन रही हर फ्रंट पे। पहली बात तो आप बिल्कुल ऐसी फिल्म बनाइए, दूसरा एक बंदा काफी है आसाराम बापू के ऊपर, अभी वो फिल्म बनी है, एक ओटीटी सीरीज बनी है जो कि गुरमीत सिंह के ऊपर बनी है, या तो फिर आप उसको भी बोल दीजिए कि वो सब भी प्रोपेगेंडा है। हजारों धर्म गुरुओं के ऊपर फिल्म बनती है सर, पर वो तो प्रोपेगेंडा कोई नहीं कहता, वो बनती भी है, चलती भी है, लोग देखते भी हैं, कोई कहता है बहुत अच्छा, कोई कहता है बहुत बेकार, अब उसको हिंदू फोबिक बोलेंगे क्या? नहीं मैडम, देखिए एक बंदा काफी है, हिंदू फोबिक है क्या? नहीं अभी तक आसाराम बापू के ऊपर बना है वो सीरियल। नहीं नहीं नहीं, मैं जो आपसे, मैडम आप मेरी सुनिए, देखिए होता ये है कि जब किसी मकसद से कोई फिल्म बनाई जाती है और उसको बाकायदा प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी प्रमोट करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो, मगर वो जनता कैसे जवाब देती है, कर्नाटक की तरह वही हाल अब होने वाला है। इनके आने वाले राज्यों के चुनाव में बीजेपी की हालत पतली है, तो ये समाज को बांटने का, अच्छा, दरार डालने का ये एक प्रयास है। चलिए, तो भारत की वैसे मुझे ये समझ में नहीं आया कि केरला स्टोरी का आप इलेक्शन से जोड़ करके कह रहे हैं, केरला तो में कोई इलेक्शन हुआ नहीं, कश्मीर में भी कोई इलेक्शन हुआ नहीं। बहरहाल जहां तक कि ये आंकड़ों को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भंवर, क्योंकि आपने इस केस को कवर भी किया है, कि ये शायद इक्का दुक्का घटनाएं हुई होंगी, अब ऐसे दिखाना कि वहां पर बिल्कुल पूरे दरगाह में एक रैकेट चल रहा था, ये उसको बदनाम करने की कोशिश है। केस की सच्चाई क्या है, इस केस में हुआ क्या है, कितने लोगों का शोषण किया गया, कितने लोग पकड़े गए और क्या सब बरी हो गए? देखिए, इसमें अगर हम लोगों की बात करें कि कितने लोग उसके अंदर अरेस्ट हुए, तो तकरीबन 18 लोगों की लिस्ट है। उसके अलावा कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ ये कह पाना पुलिस के लिए भी बड़ा मुश्किल है। उस दौर में जो पत्रकार काम कर रहे थे उनके लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये घटनाक्रम ऐसा था जिसमें श्रृंखला बनाई गई थी कड़ी से कड़ी जोड़कर, और ये कहकर कि तुम्हारे जो न्यूड फोटोज हैं वो घर पे चश्मा कर दिए जाएंगे। तो आप देखिए कि 90 का वो दशक था जिस दशक में कॉलेज जाना लड़कियों के लिए राजस्थान जैसे प्रदेश में बड़ा मुश्किल था, स्कूल जाना बहुत कम था, और राजस्थान में उस दौर में जो लोग जा रहे थे वो हाई क्लास लोग, जो IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, कोई डॉक्टर, उनकी बच्चियां थी और वो स्कूलों में पढ़ रही थी। तो एक ये डर था कि हमारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए ये बताया जा रहा है। जिन लोगों ने उस समय कवर किया उन सबसे मैंने बात की है, उनका ये कहना था कि यहाँ 100+ लड़कियां थी, ऐसी लड़कियां जो कोर्ट तक नहीं पहुंची, जो पुलिस तक भी नहीं पहुंची, और
पुलिस भी उन तक नहीं पहुंची, क्योंकि जब ये केस खुलने लगा तो वो लोग शहर छोड़ गए, उनके जो पेरेंट्स थे वो शहर छोड़ गए। स्थिति ये हो गई थी अजमेर में कि वहां शादी करने वाला व्यक्ति फोटो लेकर पत्रकारों के दफ्तर में पहुंच रहा था कि कहीं ये लड़की तो उसमें नहीं है। तो अजमेर एक तरीके से दहल उठा था, पूरे देश में इस कांड की चर्चा थी। मैं तो बड़ा हैरत में हूँ ये जानकर के कि जो लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हलक क्यों नहीं सूख जाता है। इतनी सारी बेटियों के साथ ये सब कुछ होता है और आप उस सच्चाई को सामने आने देना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि वो किसी धर्म से जोड़ दिया गया है। क्या अपराध किसी धर्म से जोड़ा जाता है? अजमेर जाकर एक बार जरा उस फाइल को पढ़ लेंगे तो मेरा दावा है आपके आंसू नहीं सूखेंगे जो इस तरह की बात कर रहे हैं। बताइए कलीमुल हाफिज साहब, एंड आई वांट टू ओपन दिस अप। सिंपल है कि जो लड़कियों की कहानी आज तक सुनाई नहीं गई, आज अगर कोई बता रहा है तो उनको चुप मत कराइए। देखिए ये भयावह है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी हमारे सूफी संत को या धर्म को किसी अपराध के साथ जोड़कर दिखाया जाएगा तो ये दूसरा अपराध हो जाएगा, और उस अपराध को जो लोग सपोर्ट करेंगे वो भी उस अपराध में शामिल होंगे। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में इस तरह के बहुत सारी भयावह घटनाएं हो रही है। बिल्किस बानो वाला मामला है, कितना भयावह है। सर अभी तो आपको ये गजब है, आपने कहा कि भाई भले से ही कोई अगर वहां पर खादिम कुछ कर दे उसके खिलाफ कुछ बोलना मत, नहीं तो आप एक अपराध में शामिल हो जाएंगे। तो उनके अपराध को छुपा दें हम, ताकि हम अपराध में शामिल ना हो। अवनिजेश अवस्थी, अवनिजेश अवस्थी, टाइमिंग पे सवाल। राजस्थान में इलेक्शन, राजस्थान पे पिक्चर। अवनिजेश अवस्थी, अजमेर की दरगाह शरीफ का कोई खादिम अगर ये करता है तो वो बदनाम कर रहा है या उस पाप को जो सामने ला रहा है वो पाप कर रहा है? मैं इनका कामिल साहब की बात से जरा जानना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि वहां जो पाप हुआ है हिंदुस्तान की बेटियों पर दिन रात शोर मचाने वाले, आज इसको बैन करने की बात क्यों कर रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल हो, अजमेर 92 हो, इसके विक्टिम तो अभी हैं इस यहां पर। ये तो औरंगजेब को तो कहते हैं माइथोलॉजी है जी, किया ही नहीं जी, टीपू सुल्तान ने किसी को मारा ही नहीं जी, ये तो यहां पर है, सामने है, जो बता सकते हैं, जो बता रहे हैं अपनी कहानी, टपलू साहब हो, टिक्कू साहब हो, कोई भी हो, जिस तरीके की कश्मीर में हुए, केरल में हुई, श्रुति हुई, जिसने आके अपनी कहानी बताई है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। अजमेर में we had a victim speaking right now जो बता रही है कैसे उसको ब्लैकमेल किया गया। यस पद्मजा, बड़ी साफ सी बात है, इस देश में पूरे समय कोई ना कोई महीना ऐसा होता है जिसमें एक दो तीन महीनों की गैप में कोई ना कोई इलेक्शन होता है। बात बड़ी साफ सी है, आज जो लोग अजमेर 92 का विरोध कर रहे हैं उनको लेबल्ड करना चाहिए कि ये देश की बेटियों के सम्मान और प्रतिष्ठा के पूरी तरह से खिलाफ है। जो इन देश की 252 बेटियां हैं, अगर इनके बारे में अगर नहीं कोई सोचता है तो आप ये बताइए कि उनको उन पर कौन सा क्राइम लगना चाहिए? ये यहां पर तमाम जो घटनाएं हैं उसके ऊपर शोर मचाते हैं। बात बड़ी बात थी हाफिज साहब, जिला गाजियाबाद बनती है तो गाजियाबाद बदनाम नहीं होता, शूट आउट एट लोखंडा वाला होती है तो लोखंडा वाला बदनाम नहीं होता, लेकिन जब केरल स्टोरी बनती है तो केरल बदनाम हो जाता है। मिर्जापुर में दिखाया गया, मिर्जापुर, क्या आप कह रहे हैं कि मिर्जापुर में रहने वाले सारे माफिया हैं, एक दूसरे को दिन भर गोली मार रहे हैं, एक दूसरे के हाथ काट दे रहे हैं? डॉक्टर सुमन सिंह रमन, सिंपल आर्ग्यूमेंट, दस सेकंड। बात असली सी ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है और वो गलती से मुसलमान होता है तो ये तमाम लोग उसको समूची की समूची मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, देखो आपको बदनाम किया जा रहा है। औरंगजेब से आम मुसलमान बदनाम नहीं होता, ये दारा शिको का नाम नहीं लेते, ये औरंगजेब का नाम लेते हैं। औरंगजेब का साथ सामने आने से मुसलमान बदनाम होता है, दारा शिको का नाम लेने से मुसलमान ऊपर क्यों नहीं उठता? एंड दैट इज अ बिजार आर्ग्यूमेंट डॉक्टर सुमन सिंह रमन। ब्लैक फ्राइडे वॉज मेड ऑन द मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। The main villain in that film was Daud Ibrahim and Tiger Memon. Now, going by this warped logic, don't make a film on the Mumbai blast because, oh, Islamophobic. This is ridiculous. It's about the underworld Don Daud Ibrahim, not about the community he belongs to. Padmaja, my point of view is very simple. The movies which are certified by the censor board and not stayed by a court of law must be allowed to be exhibited. They should not be banned. That is point number one, whether it is opposed by right-wing, left-wing, community A, community B, majority, minority, whoever opposes it. Censor board has approved. The court has not stayed. The movie stands.
Now, the second point is, why are the BJP and its supporters shying away from calling these propaganda films? After all, there is no harm in putting out propaganda films. No, no, but I mean, why should it be called a propaganda film? Why should it be called a propaganda film? No, because, for instance, the Kerala story. Why? Because how many films are actually spoken about at public campaign rallies by the Prime Minister? Well, if it's a good film, why should it be spoken about? See, is every other movie which is if being it's a released, good film and no, if it talks no, about yeah, something that one is minute, you know unmentioned, no, so, why shouldn't it be spoken so I think no no so there are only two possibilities Padmaja, there are only two possibilities. One, these are propaganda films. So let me ask you this. When Final Solution came in, when Final Solution based on Godhra riots came in, it was screened at every university in Delhi. The university screened it. JNU screened it. Jamia screened it. Going by your logic, was it a propaganda film? Was it a propaganda film? I don't remember Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh going from campaign meeting to campaign meeting asking people to watch it. Because the Prime Minister spoke about it, it becomes a propaganda film. All right. Sushil Pandit. Because the Prime Minister spoke of it, it's a propaganda film. Padmaja, thank you, Dr. Raman. May I? So just going by your logic, hold on a second. Mr. Pandit, hold on a second. So going by your logic, Ajmer 92 right now is not a propaganda film because the Prime Minister hasn't spoken about it. So right now we are giving it benefit of doubt that it's not propaganda film, right, Dr. Suman Sirana? Not necessarily the Prime Minister, the leadership of the BJP. Oh, so that's like they leadership. All go together so and if a panchayat president also says, "Aaj maine Ajmer 92 dekhi," propaganda cabinets film. Cabinets go together and okay. Watch the movie. But I will then tell you many Congress leaders or left leaders who said, "Watch Final Solution," and your logic will be devastated. Anyway, go on, Sushil Pandit. Has various state Padmaja, governments gone and cabinets and Padmaja, may I? Okay. Dr. Raman, Sushil Pandit. If the litmus test of any work of art is whether the Prime Minister and especially Manmohan Singh has spoken about it or not, then Manmohan Singh hardly spoke about anything. Then everything that happened during that time or whatever he's never spoken about is not a propaganda. Now, this can't be a logic. Two, when you try and call something propaganda, Ms. Dr. Raman very clearly knows that it is to delegitimize the content of that work. By branding it propaganda and saying propaganda is a legit exercise, you are actually very insidiously canceling it, destroying it, destroying its credibility. And three, when those who call for a ban saying this is some kind of a slur on a community or attempt at defaming a certain entire identity, they are actually owning up the crime as that of the community itself. And just by FYI, implication, they are saying, FYI, since by you're talking about the political condoning, Dr. Suman Siraman, of a film, Parzania was officially screened by the Congress party in Gujarat. The BBC documentary was screened by the Kerala Congress in Thiruvananthapuram. So, by your logic, Parzania and the BBC documentary are propaganda films? The PM just said, watch Kerala story. The Congress, the other foot the now. Congress screened, the Congress screened these films, held a screening and said, watch it. Allowed by the government. One second. BBC documentary is a propaganda, right, according to you. One second. Basically, when BBC documentary is a documentary, it was in a ham-handed move, banned, and then subsequently quote-unquote unbanned. You're not addressing unbanned. The question, sir. No, my question to you is very simple. The difference. You said the PM recommended Kerala story is propaganda. Particular the Congress screened BBC documentary. Promote hence film. Proven it's one propaganda. One second. Answer the question. One second. When people of a certain ideological bent who are in power go out of the way to promote a particular film that demonizes those whom they often how demonize. How does it demonize? Then it becomes Sushil Pandit, how does it demonize? Logic.
because you're saying X person used to be a youth Congress worker, now is a khadim, hence you demonize. Do you know that while you're arguing that the Ajmer Dargah is being demonized, every year the Prime Minister sends a chadar to the same dargah? Why would he send a chadar to a dargah he's demonizing? Sushil Pandit, quick response. It's funny to see Dr. Raman twisting and turning and trying to add caveats to a definition just because it must suit his convenience, his political convenience. I thought he was going to be objective for once when he said that any film which has been given a green card, which has been given a go-ahead by censor board, by the legitimate authorities, has to be shown. But then he lapsed back into calling it names and giving it some very, very convoluted kind of definitions in order to brand it propaganda. First of all, calling anything propaganda itself is pernicious because it delegitimizes. Exactly. It hammers at the convenient to say you stand up for freedom of speech while completely delegitimizing someone's actual lived experience. I want to give the final word to my colleague Bhavar. Aapne jo us waqt ki victims thi unse baat ki hain, kya unko ab ummeed hai ki if not justice, बिकॉज कई सारे लोग अपना टर्म खत्म होने के बाद उनको छोड़ दिया गया, कम से कम लोगों को पता चलेगा कि उस वक्त उन पर क्या बीती थी. भवर, देखिए 31 साल बहुत लंबा पीरियड होता है. 31 साल से वो महिला ये दंश झेल रही है. जब उनसे बात कर रहे थे हम लोग, उस वक्त वो सुबक पड़ी थी, रो पड़ी थी, और ऐसी स्थिति एक विक्टिम की कोर्ट में भी हुई थी. और मैं वो तारीख जो अभी पिछली तारीख गई है, जिस तारीख को वो पेश हुई थी कोर्ट में, आप देखिए कि वो भरे कोर्ट में चीख पड़ी थी कि अब तो मैं दादी बन गई हूँ, कम से कम अब तो मेरा पीछा छूट जाए, अब तो मुझे न्याय मिल जाए. और वो चीखी थी, उसकी खबर बड़ी सुर्खियों में रही थी. और आप देखिए कि जितनी भी महिलाएं इसमें थी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, आज वो कहीं ना कहीं कई रिश्तों से बंध गई हैं. कोई माँ है, कोई दादी माँ है, कोई नानी है, और अब तक उनके पास समन जाते रहे. कई तो शहर छोड़कर चली गई, अपने नाम परिवर्तित कर दिए ताकि किसी को पता नहीं लगे. मुश्किल से हमें एक ये विक्टिम मिली, जिनसे भी काफ़ी हमने प्रार्थना की, उसके बाद उन्होंने हमको बात करने को राजी हुई कि मेरा चेहरा नहीं दिखे, मुझे न्याय मिल जाए. इस उम्मीद के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिल्म आ रही है, फिल्म में मेरा नाम नहीं आया, लेकिन फिल्म में वो सब दिखाया जाए जो हमारे साथ हुआ. मैं जब वो याद करती हूँ तो सिहर जाती हूँ. उनकी आंखों में आंसू थे जब वो हमसे बात कर रही थी. और वो उन तमाम समन जो कोर्ट से आ रहे थे, वो कागजात हमें दिखाते हुए कह रही थी कि देखो ये हालत हो गई है मेरी, कागज समेटते समेटते बुढ़ा गई हूँ, पति खत्म हो गए हैं, और उससे पहले पति ने तलाक दे दिया था, उसके बाद उनकी माँ नहीं रही, उनके पिता नहीं रहे, और अब सिर्फ एक पेंशन पर वो आधारित हैं. स्कूल नहीं जा पाई उस पूरी घटनाक्रम के बाद, और आठवीं तक पढ़कर रह गई. आप सोचिए आठवीं क्लास में अगर किसी के साथ ये सब हो जाए तो वो आखिर क्या लेकर, क्या वजन लेकर जिंदगी भर जिएगी. एंड देन टू इमेजिन दैट इन द इवनिंग ऑफ देयर लाइफ व्हेन फाइनली देयर स्टोरी इज बीइंग टोल्ड, दे आर बीइंग कॉल्ड मेयर कॉग्स इन अ प्रोपेगेंडा पीस. लेट्स नॉट डू दिस. एट द वेरी लीस्ट लिसन टू देयर स्टोरी, डिसबिलीव इट इफ यू विल. आई लीव इट एट दैट. भवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये स्टोरी हम तक लाने के लिए, एंड दैट इनवैल्यूएबल टेस्टिमनी फॉर गेटिंग इट टू अस. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी.